सोमवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिन और रात के तापमान में साफ अंतर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिवाली से पहले ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इस बदलाव के साथ राजधानी भोपाल में दिन भर तेज धूप रही, जबकि रात में तापमान में गिरावट आई। चलिए इस वीडियो में मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन और रात के तापमान में काफी भिन्नता देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रात के तापमान में गिरावट के साथ ही गुलाबी ठंड का असर अब बढ़ रहा है। सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा रही है, जो ठंडक को और ज्यादा बढ़ा रही है। सोमवार को प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में दिन और रात के तापमान में और ज्यादा अधिक अंतर देखा जाएगा। पिछले शनिवार को पचमढ़ी में रात का न्यूनतम तापमान सबसे कम 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि ठंड का संकेत है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों का तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है। खजुराहो अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस, गुना 36.2 डिग्री सेल्सियस, रीवा 35.6 डिग्री सेल्सियस, सतना 35.6 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर 35.5 डिग्री सेल्सियस, पंचमढ़ी में रात का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि में नीमच, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में बिजली के साथ हल्की आंधी की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे किसानों और स्थानीय निवासियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस समय मध्य प्रदेश में मौसम का ये बदलाव लोगों के लिए गुलाबी ठंड का एहसास करा रहा है। तापमान में हो रहा अंतर और आने वाले समय में बारिश की संभावना इस बात का संकेत है कि सर्दियों का आगमन जल्द ही नजदीक है। सभी को सलाह दी गई है कि वो मौसम के अनुसार तैयार रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।